बड़ा सवाल है। टीम न्यूज स्टेट। कुछ दिन पहले जयंत चौधरी के विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। अब सीएम योगी के एक मंत्री ने आरएलडी को अच्छे दिन याद दिलाए हैं। इसके अलावा जयंत ने आरएलडी बीजेपी के गठबंधन की कयासबाजियों को कोरी अफवाह करार दिया है। देखिए, बीजेपी आरएलडी में पक रही खिचड़ी। बीजेपी तोड़ेगी राहुल अखिलेश जयंत की टिकट। 24 का महारण नजदीक है। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। ऐसे में आरएलडी को लेकर सियासी गलियारों में कयासबाजी का दौर चल रहा है। पिछले दिनों जयंत की पार्टी आरएलडी के सभी विधायक मुख्यमंत्री योगी से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद एक नए गठबंधन की खबरें निकल पड़ी। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता और योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इशारों में आरएलडी को अच्छे दिन तो याद दिलाए और कहा, अगले चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच गठबंधन पर कोई भी निर्णय पार्टी हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा। इधर एनडीए खेमे में जाने की अटकलों के बीच जयंत चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। आरएलडी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ है। देखिए, अब चुनाव की सरगर्मियां तेज होंगी, लोगों को घेरने की पूरे प्रयास सरकार करेगी। हम और आपको तैयार रहना चाहिए, इस तरह की अफवाहों पे ना जाएं। विश्वास करें अपने लीडर्स पे, जो लोग देश और मुल्क का भला चाहते हैं, जो इंडिया पार्टीज हैं। हम सब एक बहुत मजबूत एजेंडा लोगों के बीच ले जाएंगे और जनता से हम उम्मीद करते हैं कि मौका हमें दें। इतना ही नहीं, जयंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के दिए भाषण से नाखुशी जताई है। देखिए, आप उनके भाषण को देखें, ऐसा लगता है कि वो इंतजार कर रहे थे कि विपक्ष थक हार के बाहर निकले और मैं मणिपुर पे अपना आधा सेकंड की बात कह दूं। तो खाना पूर्ति वो कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है। जब जहां भी चुनाव होता है वहां जाते। विधानसभा में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बीजेपी के साथ ही रहा। 2002 में 14 विधानसभा सीटें बीजेपी के साथ ही हासिल हुई। जयंत अपनी राजनीति में अब तक के प्रयोगों के बाद समझ चुके हैं कि उनका वोट बैंक तभी सीटों में बदलता है जब वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। एसपी के साथ साधे गए जातीय समीकरण का पश्चिमी यूपी में वोटों के जुड़ाव की कोई और गुंजाइश भी जयंत को नहीं दिख रही। अखिलेश जयंत में दूरियां। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से दूरियां, सीटों को लेकर अखिलेश जयंत में बनी दूरियां। चुनाव में जयंत मांग रहे हैं 12 सीटें, अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं है। संभावित गठबंधन में बीजेपी के भी अपने फायदे हैं। एनडीए का कुनबा बढ़ेगा, पश्चिमी यूपी के जीत को धमाकेदार करेगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ था नुकसान। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत में कई सीटें खोनी पड़ी। उसकी बड़ी वजह जयंत का एसपी के साथ होना था। दरअसल 2024 का आम चुनाव करीब आ गया है। एनडीए और इंडिया के बीच अपने अपने कुनबे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दोनों गठबंधन ज्यादा से ज्यादा छोटे दलों का साथ लेने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। यूपी में भी इसी कवायद को जमीन पर उतारा जा रहा है। बीजेपी यहाँ विपक्षी गठबंधन के दलों में सेंधमारी की कोशिश में लगी है। पिछले दिनों बीजेपी ने पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को अलायंस में शामिल भी किया। टीम न्यूज स्टेट। राजधानी लखनऊ से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल